दोस्तों मेरे फ्रेंड लिस्ट पे एक सिंचन नाम का प्लेयर है 75 लेवल का। जब मैंने इनके प्रोफाइल देखा आई वॉज कंप्लीट शॉक, क्योंकि भाई का अभी तक देखो मास्टर तो छोड़ो हीरोइक तक नहीं पहुंचा, जबकि इस भाई ने सीएस रैंक पे 230 प्लस गेम्स भी खेल लिया। रीजन क्या है पता है? स्किल कॉम्बिनेशन, सही स्किल कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर पा रहा है। हम भाई को हेल्प करेंगे इस वीडियो के द्वारा। मेरे पास है 5 स्किल कॉम्बिनेशन फॉर सीएस रैंक, जैसे कि रसर स्किल कॉम्बिनेशन, रैंडम CS ranked skill combination, CS Orion character combination, CS sniper skill combination, CS new skill combination। तो सब लोग पूरा एंड तक देखना, हम स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। CS rusher skill combination। दोस्तों ये CS का जो rusher skill combination है काफी खतरनाक है, जो भी प्लेयर रस करके खेलना चाहते हैं उनके लिए। देखो आप लोग क्या करना है, आपको लेना है तात्सुया का स्किल। अब ये जो तात्सुया कैरेक्टर है ये रस में सबसे बेस्ट होने वाली है। अब मैं आपको जो जो पेसी बता रहा हूं वही ध्यान सुनना। देखो जब भी आप लोग रस करते हो ना आपको हमेशा ऑटो लेना चाहिए। गाइस ये ऑटो कैटर काम ये है कि ये आपका जो इतना भी एनिमी होगा ना सबका गाइस मूवमेंट स्लो कर देता है, इसलिए सब लोग आजकल ऑटो लेके खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है तात्सुया के साथ ऑटो। तो मैं आपको दिखाऊंगा चिंता मत करो, लेकिन आप लोग स्किल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। उसके बाद देखो ऑटो के साथ साथ यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एंटोनियो का स्किल इक्विप करेंगे। दोस्तों एंटोनियो क्या काम करता है, ये 40 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट देता है। ओके दोस्तों, जैसे हम लोग अगर मान के चलो हम लोग सामने एनिमी के सामने जाते हैं एंड किसी प्रकार से हम लोग को डैमेज पहुंचता है, तो सबसे पहले एंटोनियो को डैमेज होगा, उसके बाद आपका मेन एचपी। इसलिए यहां पे हम लोग एंटोनियो लेंगे और थोड़ा सा मूवमेंट इंक्रीज करो, क्योंकि रश कर रहे हो थोड़ा मूवमेंट चाहिए। यहां पे केली द स्विफ्ट यहां पे हम लोग इक्विप कर लेते हैं स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए। अब देखो ये केली, एंटोनियो, ओटो एंड तात्सुया, इस स्किल कॉम्बिनेशन को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं ये वाक्य में यहां पे रसर में काम आता है कि नहीं। तो चलो आज दोस्तों मैं टेस्ट करूं सीएस का रसर स्किल कॉम्बिनेशन, जहां मेरे पास है तात्सुया, ओटो, एंटोनियो एंड केली। अब देखो बंदा ने मुझे डैमेज दिया, तो सबसे पहले एंटोनियो को डैमेज पड़ा जो मेरा शील्ड एचपी था। अब यहां पे देखो शील्ड एचपी जो वापस से रीजनरेट हो गया, देख रहे हो गाइस वापस से रीजनरेट हो गया। एंड यहां पे देखो मैंने एक बंदा को नॉक किया, दूसरा वाला भी नॉक हुआ एंड लास्ट में एक प्लेयर बचा था गाइस, वापस से मुझे शील्ड एचपी में डैमेज दे रहा है। एंड मेरे पास तो केली है एंड ओटो से क्या हो रहा है गाइस, मैं जो भी बंदा नॉक कर रहा हूं गाइस सबका मूवमेंट स्लो हो रहा है, जितना भी उनका टीममेट है एनिमी टीम का जो भी टीममेट वगैरह है सबका यहां पे मूवमेंट स्लो हो गया था। लास्ट में देखो इस प्लेयर को भी मैंने खत्म कर दिया। देखा ना गाइस तात्सुया किस तरह से रश करने में काम आती है, ओटो आपको किस तरह से हेल्प करता है, एंटोनियो, केली। तो यही स्किल कॉम्बिनेशन आपको रसर में इक्विपमेंट। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, सीएस रैंडम स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों सीएस में जब भी रैंडम लेके खेलते हो ना, तो आप देखो यहां पे हमेशा दिमित्री स्किल इक्विप करो एक्टिव में। दिमित्री बहुत बेस्ट है यहां पे आपको टीममेट को रिवाइव करने के लिए, इसे हम लोग यहां पे एक्टिव में दिमित्री चूज करेंगे। और यहां पे पैसिव नंबर 1 पे आप चूज करना मोको स्किल। यहां पे मोको जो पैसिव में काम करेगा ना सबको लोकेशन बांट देगा कहां पे बंदा है, ठीक है। बस एक बंदा को फायर करो सबको मिल जाएगा लोकेशन कहां पे है, ठीक है, आपका टीममेट को। यहां पे हम लोग मोको लेंगे, उसके साथ ही देखो हम लोग दिमित्री से ना रिवाइव कर रहे हैं अपने टीममेट को। इसलिए मैं चाहता हूं गाइस आप लोग एक काम करो, कपिला कैटर यहां पे इक्विप कर लो। दोस्तों कपिला काम तो आप लोगों को पता है, यहां पे आप लोग जैसे अपने टीममेट को हेल्प करोगे उनको एक शील्ड पॉइंट मिलता है, प्लस मूवमेंट स्पीड मिलता है, प्लस एक और चीज है वो लोग जल्दी नॉकडाउन होने के बाद ना खत्म नहीं होगा, वो लोग जल्दी मरेगा नहीं गाइस, ठीक है। थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है, मरने में, लेकिन बहुत काम का है यहां पे हम लोग का कपिला का स्किल। साथ ही साथ थोड़ा फास्ट रिवाइव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे हम लोग सीएस रैंक खेल रहे हैं वो भी गाइस यहां पे रैंडम के साथ, तो हम लोग चूज करेंगे तीवा कैटर पैसिव में। तीवा बहुत काम का गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये स्किल कॉम्बिनेशन आप बस आप लोग तीवा ले लो, कपिला ले लो, मोको एंड दिमित्री का स्किल आप बस इक्विप करके खेलना। फिलहाल मैं आपको गेम प्ले दिखा दूं किस तरह से इसका गेम प्ले किया जाता है रैंडम पे। तो चलो सब लोग आ जाओ रैंडम। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूं सीएस रैंडम का स्किल कॉम्बिनेशन किस तरह से ये यूज किया जाता है। आप लोगों को देखो गाइस एक बंदा आया, पहले मैंने इसको मारा, अब मोको उसको लग गया है। अब मेरे टीममेट को पता चल चुका है बंदा कहां पे है। देखो मैंने मोको मारा ना गाइस, उसको पता चला मेरा टीममेट जितना भी है सबको। अब मैंने क्या किया यहां पे नेट कुक करके दिखाने के लिए इसको फेंक दिया ताकि वो जल्दी से मेरा सामने भी आए। अब देखो मेरा टीममेट वगैरह तो आ चुका है, मैंने यहां पे माइक ऑन करके नहीं खेल रहा, मेरे टीममेट को यहां पे मोको ही दिख रहा है। प्लस यहां पे जो मेरे पास कपिला है, तीवा है, दिमित्री है, ये भी बहुत काम आने वाला है। देखो इस प्लेयर को मैंने मारा, मेरा टीममेट सारे अंदर आ गया एल शेप पे एंड उसके बाद देखो मेरा टीममेट नॉक हो गया, तो मैंने दिमित्री ऑन कर दिया। उसके बाद देखो तीवा से जल्दी से रिवाइव हो गया एंड कपिला से उसका मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो गया था। अब एक और चीज आप लोग देख लो, दिमित्री से आप सेल्फ रिवाइव भी
हो सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दिमित्री मोको कपिला तिवा ये स्किल कॉम्बिनेशन आपको इक्विप करना चाहिए एंड खेल के देखो रैंडम में मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे सीएस ओरियन कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर आप लोग सीएस में ओरियन लेके खेलते हो एक सही स्किल कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप लोग ओरियन के साथ हमेशा एंटोनियो का स्किल इक्विप करो। अब देखो यहां पे जो स्किल मैं आपको बना के दे रहा हूं ठीक है, ये सबसे लेजेंडरी ओरियन का स्किल कॉम्बिनेशन है अभी तक का सीएस में। यहां पे हम लोग क्या करेंगे देखो एंटोनियो लेंगे, उसके साथ ही आपको क्या करना है यहां पे सानी का स्किल इक्विप करो। ये जो सानी कैरेक्टर है ये ओबी अपडेट के बाद इसके स्किल को चेंजेस किया था, पहले कुछ और था अभी क्या काम करता है, जैसे आप लोग ओरियन स्किल ऑन करोगे आपको मिलेगा शील्ड पॉइंट, ओके शील्ड एचपी मिल जाएगा। यहां पे हम लोग शानी भी शील्ड एचपी देता है प्लस एंटोनियो भी देता है, अब दोनों मिला के 90 होता है एंड हमारा मेन एचपी होता है 200 का, 290 एचपी हो गया गाइस ठीक है। तो यहां पे लोग टेंशन नहीं लेना गाइस, यहां पे मैं आपको एक और कैरेक्टर दे रहा हूं जिससे आप लोग बार बार अपना ओरियन को रिचार्ज कर सकते हो, वो है मिगुएल कैरेक्टर। अब यहां पे मिगुएल तो काम आपका पता ही गाइस, यही स्किल कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, मिगुएल है सानी है एंटोनियो है ओरियन है एक्टिव में। अब ये स्किल कॉम्बिनेशन आप बना लोगे मैं चलता हूं आपको गेम पे लेके किस तरह से इसको वर्क करवानी है, चलो आ जाओ गेम। फ्रेंड्स मेरे पास है सीएस ओरियन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अब देखो आप ये जो स्किल कॉम्बिनेशन है किस तरह से मुझे हेल्प करते किस तरह से वर्क होनी है इस स्किल कॉम्बिनेशन को वो भी देख लेते हैं। ओके यहां पे मुझे डैमेज पड़ा तो सबसे पहले क्या डैमेज हुआ मेरा एंटोनियो का, ओके यहां पे शील्ड एचपी मेरे डैमेज हुआ। उसके बाद देखो गाइस हम लोग किस तरह से बंदा खत्म करते हैं, आप लोग देखते जाओ। इस गेम को गाइस बहुत डेंजर गेम था लेकिन मैंने इस गेम को किस तरह से बुया निकाला वो भी देख लो। अब यहां पे मैंने एक बंदा को नॉक किया, उसके बाद मैं अपने टीममेट को यहां पे रिवाइव किया, मेरे को मिल चुका है मिगुएल का ईपी। यहां पे मुझे मिगुएल ने ईपी दिया, जैसे ओरियन बना तो मुझे सेंटिनो ने जो एंटोनियो है गाइस एंड सानी है वो मुझे शील्ड एचपी दे दिया, जिस वजह से मैं यहां पे बच गया था। देख लो गाइस कितना मुझे गाइस बचा लिया था, नहीं तो गाइस वो शील्ड एचपी नहीं रहता तो यहां पे मेरा टीममेट का पूरा स्क्वाड खत्म हो सकता, मैं अकेले बच गया था ना। फिर मैंने यहां पे अपना गाइस बॉनफायर मारा, अपना ओरियन को रिचार्ज किया एंड वापस से देखो ओरियन बन गया। देखो ओरियन बनने के बाद मुझे गाइस ईपी तो मिल चुका था, एचपी थोड़ा रीजनरेट हो चुका था एंड यहां पे गाइस मैंने इस प्लेयर को भी खत्म कर दिया। बहुत अच्छा स्किल कॉम्बिनेशन है ओरियन प्लेयर्स, भाई यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको बनाना है सीएस में, ओके तो रेडी हो जाओ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे सीएस स्नाइपर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर आप लोग स्नाइपर लेके खेलते हो गेम में तो भाई आपके लिए भी स्किल कॉम्बिनेशन है, अगर नहीं भी लेके खेलते हो ना ये स्किल कॉम्बिनेशन बनाओ, स्नाइपर लेके खेलना आपको बुया मिलेगा, बहुत मस्त स्किल कॉम्बिनेशन है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पे आयरिस कैटर इक्विप करेंगे, ओके इसके स्किल का नाम है वॉल ब्रॉल, ओके इसका स्किल का काम ये है कि ये 15 सेकंड के लिए आपको एक मस्त फायर रेट देता है, ग्लू वॉल के अंदर आप मार सकते हो, ओके आर पार ग्लू वॉल के आर पार, बस आपको हीट करना है, जैसे आप लोग हीट करोगे बंदा को ग्लू वॉल के अंदर भी शॉट लगने लगेगा। यहां पे हम लोग इसलिए आयरिस कैरेक्टर इक्विप कर रहे हैं एक्टिव में। अब यहां पे आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा भी प्लस यहां पे पहले पैसिव इक्विप कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले देखो पैसिव में आप लोग आयरिस के साथ मोको इक्विप करो ताकि आपको पता चले बंदा कौन से ग्लू वॉल पे भाग रहा है, ओके यहां पे मोको लेंगे, साथ ही साथ मोको के साथ आप इक्विप करो मारो भाई मारो मारो कैरेक्टर, ओके यहां पे हम लोग मारो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो गाइस मारो से आपका गाइस रेंज के साथ डिस्टेंस के साथ जितना होगा ना आपका डैमेज इंक्रीज हो जाए, जितना दूर बंदा होगा उतना दूर आपका यहां पे हम लोग को गाइस डैमेज मिलता है। वैसे भी स्नाइपर यूज कर रहे तो दूर दूर वाले बंदे ही मारेंगे हम लोग, है कि नहीं, वैसे मारो बहुत काम आता है आप लोग को डैमेज इंक्रीज करने के लिए। यहां पे हम लोग मारो ले लिए गाइस, उसके साथ ही देखो अब पैसिव में एक और सबसे खतरनाक जिससे गाइस आपका एक्यूरेसी मस्त होगा, आपका रिकॉइल कम होगा स्नाइपर में आपका गोली शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज़ आप लोग लोरा कैरेक्टर लेके खेलते नहीं हो, ठीक है। अगर आप लोग गेम में लोरा कैरेक्टर इक्विप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए मैं बोलता हूं आपको 50% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा इस कैरेक्टर से। यहां पे हम लोग लोरा ले रहे हैं गाइस, मारो ले रहे हैं, मोको ले रहे हैं एंड आयरिस एक्टिव। अब मैं आपको स्किल कॉम्बिनेशन दिखाता हूं किस तरह से आपको यूज करना चाहिए, चलो आ जाओ गेम पे। सीएस स्नाइपर स्किल कॉम्बिनेशन जहां मेरे पास है आयरिस मोको मारो एंड लोरा का स्किल। अब देखो इसको स्किल कॉम्बिनेशन को किस तरह से यूज किया जाता है वो भी देख लो गाइस। मैंने एक प्लेयर को यहां पे नॉक किया अपना, देख सकते हो गाइस यहां पे स्नाइपर से, उसके बाद क्या करेंगे यहां पे नेट कुक कर देना, ठीक है डायरेक्ट नेट कुक कर दो जहां पे आप लोग जा नहीं सकते हो। यहां पे देखो नेट कुक कर दिया, बंदा नॉक होके पूरा खत्म हो गया। अब मुझे ना क्या करना है गाइस, यहां पे आयरिस ऑन करके बंदा को मारना है, प्लस यहां पे जो मारो है ना ये आपका डैमेज इंक्रीज करता है। अब देखो इस प्लेयर को मैंने डैमेज इंक्रीज करके ही मारा। अब यहां पे ऊपर एक प्लेयर है, अब यहां पे इसलिए मैंने ऊपर रश नहीं किया डायरेक्ट नेट ही कर दिया,
ये तो एक स्ट्रेटेजी हो गया। अब यहाँ पे बाहर में एक प्लेयर है, अब बाहर वाला प्लेयर को यहाँ पे मैं मार नहीं पा रहा था, तो क्या हुआ, मेरा टीममेट ने उसको नॉक कर दिया। अब उसके बाद इनका एक टीममेट आता है, ठीक है, इनका टीममेट आता है दौड़ दौड़ के, जो ऊपर वाला था, ठीक है, ऊपर बैठा हुआ था। अब उसने तो मुझे बहुत खतरा डैमेज दिया था, जिस वजह से गाइस मैं इस जगह पे आ गया था एंड यहाँ पे एक मेडिकेट मारने लगा। तो मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे एक प्लेयर ग्लूवॉल के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे आयरिस ऑन किया, इस ग्लूवॉल के अंदर मारा। देखो गाइस यहाँ पे दो गोली में गाइस बंदा खत्म हो गया, आपको रस करने की जरूरत नहीं पड़ा। आपका आयरिस, मोको, मारो एंड लोरा किस तरह से काम कर, आप देखो, अब मैं आपको लोरा का भी दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखो आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, सटीक एम लग रहा है विदाउट, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट, मतलब इतना टाइम नहीं लग रहा है, डायरेक्ट मार रहा हूँ। यहाँ पे लोरा कैटेगरी काम आ रहा है, ठीक है, एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए। तो मैं बोलूंगा आपको ये स्किल कॉम्बिनेशन बनानी है जब भी आप स्नाइपर यूज करते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों फ्री फायर पे कई सारे टॉप अप इवेंट्स से लेके नए नए इवेंट्स आते रहते, वो भी फिक्स्ड प्राइस पे। अगर आपको उसके लिए डायमंड चाहिए इन गेम प्राइस से थोड़ी सस्ते और कम प्राइस में, तो एक न्यू शॉप लॉन्च किया जिसका नाम है shop.router.gg। इसमें आपको पहले फ्री फायर सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी प्राइस अकॉर्डिंग डायमंड सिलेक्ट करो। मैंने सिलेक्ट किया है 100 डायमंड्स। अब प्राइस कम करने के लिए रूटर कॉइन यूज करके, नहीं तो अप्लाई ऑफर पे क्लिक करके कूपन कोड यूज करो रूटर, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपके लिए डायमंड प्राइस डिक्रीज हो जाएगा एंड फिर गेमिंग यूआईडी दे के इसको परचेस कर लो। करें आज ही चेकआउट करें रूटर शॉप को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे, सीएस रैंक न्यू स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों सीएस रैंक पे एक नया स्किल कॉम्बिनेशन आया है जिसको आप यूज करके तबाही मचा सकते हो। ये नया स्किल कॉम्बिनेशन लेटेस्ट है। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे इक्विप करना है क्लू कैटर का स्किल। दोस्तों मैं क्लू इसलिए देता हूँ गाइस यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस फ्री फायर में एक ऐसा एकलौता कैटर क्लू ही है जो गाइस सबका लोकेशन रिवील करता है। यस माय फ्रेंड, इसलिए आप लोग क्या करना गाइस, जैसे आप लोग कहीं पे जाओगे तो क्लू कैटर ऑन कर देना, आपको सारे के सारे लोकेशन मिल जाएगा बंदा कहां से आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लू कैटर लेंगे, बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आप लोग क्लू दे रहा हूं। प्लस यहां पे देखो क्या करना है आपको, यहां पे ना अल्वारो का स्किल इक्विप करना है। दोस्तों आपको पता है अल्वारो जो कैरेक्टर है वो नेडर के लिए सबसे एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग नेडर भी ना हो ना तभी भी गाइस आप लोग अल्वारो इक्विप कर लो। अब देखो जैसे गाइस हम लोग को क्लू लोकेशन देगा उसी टाइम में हम लोग को नेड फेंक देना है, बंदा क्या होगा उसी जगह पे जैसे आएगा वहां पे नॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसीलिए अल्वारो दे रहे। प्लस देखो आपको थोड़ा सा गाइस यहां पे ना सतर्क होकर खेलना पड़ेगा एंड यहां पे ना आपको रिकॉइल नहीं करवाना, तो मैं डी भी आपको दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है वहां से बंदा आ रहा है, तो हम लोग जैसे मारेंगे तो सटीक एम के साथ वहां पे बंदा नॉक होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डीबी दे रहा हूं ताकि एक्यूरेसी प्लस मूवमेंट आपको मिले डीबी से। और यहां पे आपको थोड़ा रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज करवा ही देता हूं। तो आप एक काम करना, यहां पे लूना कैरेक्टर इक्विप कर लो अपने पैसिव स्लॉट में नंबर 3 पे। यहां पे मैं लूना दे रहा हूं, डीबी दे रहा हूं, अल्वारो एंड क्लू। ओके, तो ये स्किल कॉम्बिनेशन एक नया है, मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके भी दिखा दो किस तरह से इसको यूज करना चाहिए। आज दोस्तों मैं टेस्ट कर रहा हूं सीएस रैंक का नया स्किल कॉम्बिनेशन जिसमें मेरे पास है क्लू, अल्वारो, डीबी एंड लूना कैटर। आप देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्लू कैटर ऑन कर दिया। क्लू जैसे ऑन किया तो बंदा कहां से आ रहा आपको दिख रहा है, नीचे के साइड से आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड से, ठीक है, लेफ्ट भी नहीं राइट से आ रहा है, तो वो भी 3 बंदा। अब मुझे तो लोकेशन मिल चुका है तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड पे आ जाऊंगा। अब यहां पे देखना प्लेयर के साथ है, देखो एक प्लेयर दौड़ के आ रहा है, स्टेयरकेस का ऊपर आया। अब यहां पे इसको हम लोग MP40 छोड़ेंगे एंड ये नॉक, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ डीबी एंड लूना, क्योंकि रेट ऑफ फायर मिलता है ना डीबी एंड डीबी से, तो आपको एक एक्यूरेसी मिलता है, लूना से रेट ऑफ फायर मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 बंदा को भी मारेंगे, जो जितना भी बचा हुआ बंदा है उसको भी मारेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे नेड कुक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे शायद से बंदा है 20 से नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं डायरेक्ट कुक करेंगे, ठीक है, यहां से आगे से जाएंगे और यहां पे कुक करके फेंक देना। आपको देखो यहां पे आप अल्वारो का नेड गया, उसको देखो कितना बंदा नॉक हुआ है, यहां पे देखो 2 बंदा नॉक हुआ है एंड यहां पे 1 बंदा डैमेज हुआ है। अब हमें बस एक ही बंदा को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा आगे जाके जो ये रिवाइव कर रहा है क्लू कैटर ऑन कर दिया एंड लास्ट वाला प्लेयर को भी मैंने खत्म कर दिया। देखा ना गाइस किस तरह से ये स्किल कॉम्बिनेशन काम करता है। तो सीएस में ये कॉम्बो आपको बनाना है। कमेंट बॉक्स में क्या आप मेरे लिए थैंक यू सो मच स्केयरक्रो गेमिंग लिख सकते हो यार, प्लीज यार लिख देना।